पंडित जी, पहली राशि जो है मेष, उन लोगों का राशि भविष्य कैसा रहेगा? देखिए, मेष राशि मंगल की राशि है जी, और अगर हम अच्छी तरह से उसका अध्ययन करें तो गुरु जो है वो आपके आपकी कुंडली में बदल चुका है। तो अष्टम भाव में आया हुआ गुरु धन स्थान को देता है, धन का आगमन होगा, प्रेम प्यार लोगों के साथ बढ़ेगा, और जिनकी शादी नहीं होती उनकी शादी होगी। मगर एक बहुत इंपॉर्टेंट सलाह है मेष राशि वालों को, मंगल की राशि है, अपने आवेश पर, गुस्से के ऊपर कंट्रोल रखें। राजनीतिज्ञों से भी अनुरोध है कि किसी भी तरह का अपशब्द या स्लिप ऑफ टंग आपकी हो सकती है, अपना भाषण, अपना सब कुछ जो है लिखकर उसका अभ्यास करके मंच के ऊपर चढ़ें। ऑन द होल मेष राशि वालों के लिए 65 से 70% उत्तम है, और 35% जो है वो उनको परिश्रम करना पड़ सकता है जी। अगली राशि है वृषभ राशि, उनका राशि भविष्य क्या कहता है? शुक्र की अपनी राशि है, और बीच में शुक्र और गुरु इकट्ठे थे, शंख योग बना हुआ था। वातावरण आपके लिए इस वक्त जो है पत्नी के माध्यम से, इनलॉज के माध्यम से आपको बड़ा धन लाभ मिल सकता है। ऐसा नहीं कि आप डौरी मांगने लग जाओ, ये अपराध है। किसी स्त्री से आपको फायदा हो सकता है। जो लोग कांग्रेस में हैं, तो सोनिया गांधी अध्यक्षा थीं और आज भी वही रिमोट कंट्रोल है, उनको भी लाभ वृषभ राशि वालों को मिल सकता है। धन के पीछे मत भागें, नहीं तो आपको नुकसान होगा। कोई भी पेपर बिना देखे साइन ना करें, उससे आपको फायदा होगा। जामीन देंगे तो फंस भी सकते हैं। ऑन द होल आपके लिए भी बहुत ही शुभ है, 75-75% अच्छा है, 25% जो है आप परिश्रम करें तो और अच्छा होते हुए दिखाई देता है। भगवान राम की आराधना जरूर करें जी। जी बिल्कुल, ये हो गया भविष्य वृषभ राशि का। आगे बढ़ेंगे हम लोग मिथुन राशि की तरफ। मिथुन राशि वाले भावनात्मक दृष्टिकोण से कहीं ना कहीं फंसते हुए दिखाई देते हैं। बॉयफ्रेंड एंड गर्लफ्रेंड वॉन्ट्स टू मैरी, चेक योर हॉरोस्कोप अच्छी तरह से, आप किसी अच्छे पंडित से आपकी कुंडली जो है उसका अध्ययन करवा लें, मेल मिलाप करवा लें, और अपनी नेचर को ध्यान में रखकर एक दूसरे से बात करें। एक दूसरा, मिथुन राशि बुध की अपनी राशि है, व्यापार में वृद्धि के योग बने हुए हैं। शेयर मार्केट में वो जिस तरह की घिसरन थी उससे आप थोड़ा सावधान रहें, और सोच समझ कर खेलेंगे तो आपको धन प्राप्ति के योग बनते हुए दिखाई देते हैं। अचानक कोई बिछड़ा हुआ मित्र विदेश से आकर आपके साथ नया व्यापार शुरू करना चाहता है, उसका आगमन करिए, उसका स्वागत करिए। कुल मिलाकर 70% आपका भी बहुत बढ़िया है, 30% परिश्रम करिए और माता रानी की आराधना करिए, अच्छा है जी। क्या कहता है कर्क राशि का राशि भविष्य? कर्क राशि जो है फिलहाल आज के दिन बहुत सुंदर योग बने हुए हैं, जनता का साथ आपको मिलेगा, धन लाभ मिलेगा, दसों दिशाओं से, जैसे दशहरा है ना, दसों दिशाओं से धन लाभ के योग बनेंगे। मगर जो लोग 70 वर्ष के ऊपर हैं, बुजुर्ग हैं, उनसे अनुरोध है अपने ब्लड प्रेशर के ऊपर, डायबिटीज के ऊपर, पैकिंसन के ऊपर, सिजोफ्रेनिया, ये बीमारियों के लिए कंटिन्यूसली एक्सरसाइज करें। आम कर्क राशि वालों को भी मैं आग्रह करूंगा कि योगा प्राणायाम आयुर्वेदा का सहारा ले, मतलब बाकी सब तो अच्छा है, सेहत का ध्यान रखें। 90% उत्तम जी।